हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एम सी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से रेशियो एनालिसिस के एम सी क्वेश्चन तो कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेशियो एनालिसिस तो अकाउंट्स का पार्ट होता है तो मैं आपको बता दूँ रेशियो एनालिसिस हमारा एफ एम और अकाउंट्स दोनों में ही कवर्ड होता है ठीक है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एम क्वेश्चंस डिस्कस सबसे पहले हमने क्या किया प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सारे चैप्टर वाइज एमसी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करवा दिया है और अब हम क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एमसी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस के फाइव क्वेश्चन डिस्कस तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी अगर आपने प्रीवियस एम सी नहीं करे हैं तो वो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल का नाम है ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर अनुजिंदल तो वहां पे आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड जरूरी नहीं है फाइनेंशियल uh, मैनेजमेंट किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डाउट्स पूछेंगे तो वहां क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारा डाउनलोड कर लीजिए ऐप ऐप आप में आपको डेली जीके के टॉपर स्ट्रेटेजीज पास ईयर पेपर्स एग्जाम अपडेट्स मंथली जीके या लाइव वीडियो सेशंस मिलते रहेंगे और अगर अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया है और अपनी आपको लग रहा है कि आपको कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है कि सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं चल रहा तो अनुजिंदल डॉट इन पर जाइए वहां पे जाके ई एस आई में जाके इनरोल कर लीजिए वहां पे डिटेल्ड में हर एक टॉपिक डिस्कस है पी अवेलेबल है रिकॉर्डेड सेशन हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा जिससे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी ठीक है चलें अब अपने क्वेश्चन की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय डेट इक्विटी रेशियो करंट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें बताना है जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी होती है वो इन चारों में से कौन सी रेशियो इंडिकेट करती है तो आंसर देने से पहले आपको रिमाइंड कर करना क्या है आपको एक पेपर लेके बैठना है और फाइव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर बार की तरह और आपको चेक करना है कि फाइव क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आपको क्या करना है रेशियो एनालिसिस को रिवाइज करना करना है करना है रिविजिट हमारा पर्पस क्या है चैप्टर वाइज करने का ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि, कि, कि किस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम आ रही है अगर हम ये एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा और चैप्टर वाइज हमसे क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा नहीं रहेगा ठीक है तो अब वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहां इंडिकेट होती है किस रेशियो में इंडिकेट होती है तो आंसर देने से पहले जल्दी से बता दो कौन कौन सी रेशियोज मतलब किन चार कैटेगरीज में बांटते हैं हम अगर याद हो हम अपनी रेशियोज को चार कैटेगरीज में बांटते हैं कौन सी पहली होगी हमारी लिक्विडिटी रेशियो फिर सॉल्वेंसी रेशियो एक्विटी एक्टिविटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है लिक्विडिटी रेशियो बताती है हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को ईजिली मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी कहीं ना कहीं उसको कैश क्रंच आएगा नहीं आएगा वो सारी चीजें कौन सी रेशियोज बताती हैं लिक्विडिटी रेशियोज लिक्विडिटी रेशियो में हमारी करंट रेशियो क्विक रेशियो या सुपर क्विक रेशियो भी आ जाती है फिर आती है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बताती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में और ये कहा से डिटरमाइन करी जाती है या फिर हम बोले ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया कि किस प्रोपोर्शन में फंड्स रेज करे हुए हैं इक्विटी के थ्रू डेट के थ्रू जो एसेट्स हैं वो कहां कहां से एक्वायर्ड हुए हैं वो सारी बात करती है हमारी सोलवेंसी रेशियो जिसमें हमारी डेट इक्विटी रेशियो टोटल एसेट टू डेट रेशियो रेश रेश रे, प्रोपर्टी रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सारी रेशियो आ रे रे जाती है और भी बहुत सारी फिर आती है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो हमें बताती है कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में या तो मैं बोलूं कि कंपनी अपने एसेट्स को कैसे यूटिलाइज कर रही है वो चीज हमें बताती है एफिशिएंसी रेशियो क्या कंपनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है नहीं कर रही वो सारी हमें बताती है एक्टिविटी रेशियो जिसमें आ जाती है हमारी इन्वेंट्री टर्न रेशियो डेटर्स रिसीवेबल टर्न रेशियो क्रेडिटर्स क्रेडिटेबल टर्न ओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो और, और भी और लास्ट आती है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमें बताती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में या मैं बात करूं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बारी बारे में जो बताती है वो होती है हमारी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें हमारी आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेशनल प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन ठीक है ये चार कैटेगरीज होती हैं हमारी रेशियो की अब हमारा क्वेश्चन क्या था सर क्वेश्चन था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कौन सी हो गई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात कर रहे हैं तो इन चारों में से कौन सी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होगी देखो नेट प्रॉफिट रेशियो तो हमारी हो गई प्रॉफिटेबिलिटी वाली प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियो हो गई ऑपरेटिंग रेशियो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है करंट रेशियो हमारी हो जाएगी लिक्विडिटी रेशियो जो पहली वाली थी हमारी और जो डेट इक्विटी रेशियो है ये हमारी है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो ऑप्शन नंबर ए डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ठीक है डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है डेट अपॉन में इक्विटी ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेशियल वेरिएबल्स अक्रॉस द ईयर इज वर्टिकल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्योर फर्म एनालिसिस इंडस्ट्रियल एनालिसिस जब फर्म अपने ईयर्स के फाइनेंशियल वेरिएबल्स को कंपेयर करती है तो उसको कौन से एनालिसिस करता है वर्टिकल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्यर फर्म एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो रेशियो एनालिसिस देखते सोचते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और वो सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाते हैं लेकिन कभी कभार पेपर्स में क्या देखा गया है कि वो रेशियो एनालिसिस के थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे मैंने अभी पूछा ये किसका क्वेश्चन है अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे रेशियोस के तो उसमें ये पॉइंट रहा होगा कि किस पर्पज के लिए यूज होता है हमारा रेशियो एनालिसिस जिसमें हमारा वर्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए यूज होता है या इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए यूज, लिए यूज हो जाता है रेशियोस अब इधर पूछा गया है कि जब हम वेरिएबल्स को अक्रॉस द ईयर कंपेयर करते हैं अब्जोर्विंग चेंजेस मतलब कंपेयर करना अक्रॉस द ईयर तो हमारा कौन सा एनालिसिस है वो ईयर का मतलब हो गया कि मैं कंपेयर कर रहा हूं सर 2019 की रेशियो 2020 के साथ या 2021 की रेशियो 2022 के साथ दैट इज अक्रॉस द ईयर अच्छा अक्रॉस द ईयर होता है दूसरा क्या होता है एक ही साल की मैं देख रहा हूं लेकिन डिफरेंट फर्म्स की देख रहा हूं। Let's suppose मैंने 2022 की 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 22, 22 की ratios एक एक देखी और एक B firm की देखी। मतलब इन इन दोनों दोनों को को किया। किया? किया। में 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 मैंने क्या किया? 2021 में भी भी की की। ली और 2022 मतलब अगर मैं अपने मार्क्स अपने पिछले मॉक टेस्ट के मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं कि पिछला मॉक टेस्ट था अक्रॉस द मैं अपने मार्क्स अपने फ्रेंड के मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं तो वो हो गया अक्रॉस एक्रॉस फर्म्स अब बात आती है कि कौन सा कौन सा होता है अब हमारे जो इंपॉर्टेंट आंसर है इधर दो है ये तो दो एलिमिनेट ही हो जाते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस एनालिसिस या अक्रॉस द ईयर में क्या वो वर्टिकल एनालिसिस है या वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है तो अक्रॉस द ईयर जो टाइम पीरियड बेसिस पे होता है वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और जो एक्रॉस द इंडस्ट्री या फर्म होता है वो होता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस तो हमें अक्रॉस दस पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी हॉरिजोंटल एनालिसिस ठीक है समझ आया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाइज द लिमिटेड इन्वेंट्री इज थ्री लैख रुपीज टोटल लिक्विड एसेट्स आर ट्वेल्व लैक क्विक रेशियो इज दिस वर्कआउट करंट रेशियो मतलब करंट रेशियो फाइंड करो अब ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं जिनको रेशियोज अच्छे से याद होते हैं जिनको रेशियोज याद नहीं होते वो इनसे अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते तो हमें रेशियोज याद होना बहुत जरूरी है ठीक है तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कौन से दे रखी है इन्वेंट्री दे रखी है ,000 ,000 की टोटल लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं और क्विक रेशियो दे रखी है सर क्विक रेशियो दे रखी है टू रेशियो वन क्विक रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज टू रेशियो वन क्विक एसेट्स क्या हो गया लिक्विड एसेट्स जो कि हमारे हो गए ट्वेल्व लाख रुपीज के क्विक एसेट्स कौन से हो गए जो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश 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 में अपॉन करंटिलिटीज टू रेशियो वन तो करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास सिक्स लाख रुपीज की हमें निकालना क्या करंट रेशियो निकालना करंट रेशियो का फॉर्मला क्या होता है सर करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज सर करंट लाइबिलिटीज तो आ गया जल्दी से करंट एसेट्स भी निकालो करंट एसेट्स क्या होते हैं अगर याद हो तो टोटल लिक्विड एसेट्स या मैं जिन्हें वो किसके बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस एडवांस टैक्सेस सर इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्सेस नहीं दे रखा और इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है थ्री लाख तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं ट्वेल्व लाख करंट एसेट्स मुझे कैलकुलेट करने हैं इन्वेंट्री दे रखी है थ्री लाख रुपीज की जो टर्म्स नहीं दे रखी मैं उनको जीरो करंट एसेट्स मेरे पास आ गए फिफ्टीन लाख रुपीज करंट रेशियो क्या हो जाएगी करंट रेशियो हो जाएगी सर करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स हैं फिफ्टीन लाख रुपीज के और करंट लाइबिलिटीज हैं सिक्स लाख रुपीज की तो सिक्स टू ट्वेल्व थर्टी आया पॉइंट फाइव तो दैट्स कम्स आउट टू बी ए आंसर टू पॉइंट फाइव रेशियो वन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू पॉइंट फाइव रेशियो वन तो अगर रेशियोज याद होंगी और उनके बेसिक कंसेप्ट याद होंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपको याद नहीं हुआ कि क्विक एसेट्स कैसे, कैसे निकालना है चाहे क्विक रेशियो याद है तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता ठीक है देखो रेशियो एनालिसिस में सारे फॉर्मुले लर्न करने की जरूरत तो नहीं होती आधे फॉर्मले तो उनके नाम से ड्राइव हो जाते हैं तो हमें बस समझना है कि वो फॉर्मुला बताता क्या है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी हैज एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स ऑफ टेन लैख एंड एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ सिक्सटी लैख इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी तो हमसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो कर लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड होता क्या है?

मतलब ईयरली तो कलेक्शन पीरियड नहीं होगा मंथली होगा तो मंथली होगा तो, तो मैं ट्वेल्व कर देता हूं यहाँ पे थर्टी सिक्स थ्री सिक्स फाइव बार लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है डेज तो थ्री सिक्स फाइव लेंगे हम अब अब प्रॉब्लम क्या है सर डेटर कलेक्शन पीरियड नहीं दे रखा टर्न ओव रेशियो नहीं दे रखा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो डेटर्स डेटर्स या फिर रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स रेशियो ये अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज इन क्रेडिट सेल्स दे रखी है क्रेडिट सेल्स है नेट क्रेडिट सेल्स है सिक्सटी लाख रुपीस की अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है अकाउंट रिशिबल टेन लाख रुपीज़ के तो ये आगे हमारे पास सिक्स अगर थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स करूं तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा ये आ जाएगा सिक्स जीरो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ू तो इससे साफ साफ आंसर दिख जाएगा कि पॉइंट कुछ आएगा अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा थ्री आ जाएगा लेकिन अगर जल्दी भी हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो सिक्सटी पॉइंट देखते ही मेरा आंसर आ जाएगा कि ये आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी डेज ठीक है समय आ गया अब अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट ना दे रखा हो तो इसका फॉर्मला क्या होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का सर ओपनिंग स्टॉक प्लस आ, एवरेज ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में टू ये याद रखना कभी तो कभार क्या करता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स दे देता है और अगर इसी क्वेश्चन का दूसरी बात करूं तो एवरेज हमने भी डेटर्स रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो दिया ऐसे ही क्रेडिटर्स या पेपल टर्न ओवर रेशियो भी होता है जिसमें हमारा क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल्स है सॉरी एवरेज रिसीवेबल्स है ना एवरेज क्रेडिटर्स हो जाएगा वहां पर तो मैं बात कर रहा हूं अगर यहां पे पूरा क्वेश्चन चेंज होता एवरेज कलेक्शन पीरियड की बजाय एवरेज पेमेंट पीरियड होता तो हमारा फॉर्मुला क्या होता है थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन में पेबल्स टर्न ओवर रेशियो किसके बराबर होती है हमारी क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज पेबल्स ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी पॉइंट एट थ्री अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप लास्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर विल डैश डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज नन ऑफ द अबव अगर कंपनी ने इशू करे ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर तो डेट इक्विटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा पहले क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस करा डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है डेट अपॉन में इक्विटी ठीक है अब उन्होंने कहा कि इशू करे प्रेफरेंस शेयर्स जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू होंगे तो मतलब क्या है कंपनी की इक्विटी इंक्रीज हो गई इक्विटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं अब ध्यान से सुनना इसमें पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा इक्विटी शेयर्स वाला पार्ट प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट प्लस माइनस फिक्टीशियस एसेट करूं तो ये हमारा इक्विटी फंड का पार्ट होता है या इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट होता है कई जगह वो प्रेफरेंस शेयर्स को जब ऐड कर देते हैं तो टोटल ये शेयर होल्डर्स का पार्ट हो जाता है प्लस इसको भी इक्विटी बोल देते हैं ये शेयर होल्डर्स का पार्ट हो गया तो इधर इक्विटी में क्या जा रहा हूं इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस माइनुफेक्चर शेयर प्लस, प्लस, प्लस प्रेफरेंस शेयर और अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म करेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज या नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऐड कर दूं या लोन्स ऐड कर लूं तो वो टोटल पार्ट हमारा हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड का ठीक है तो इक्विटी डेक के सिर्फ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई इक्विटी तो इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होगा इक्विटी प्लस प्लस रिजर्व माइनस प्रेफरेंस माइनसेंसयर्स तो प्रेफर इक्विटी ये इंक्रीज हो जाएगा जब भी रेशियो में डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो क्या होता है सर पता नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं पर्सनली पता क्या करता हूँ एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ माइंड में मैंने ले लिया कि डेट इक्विटी रेशियो डेट है हमारे ट्वेंटी थाउजेंड के और हमारा इक्विटी है टेन थाउजेंड रुपीज की न्यूमेरिकल ले लिया मेरा आंसर आ गया टू अब मैं चेक कर लूंगा उन्होंने कहा कि इक्विटी इंक्रीज हो गई क्योंकि प्रेफरेंशियज इशू है तो मैं न्यूमेरिकल ले लूंगा अपने माइंड में ही कि ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास तो ये आंसर क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री जो कि आ जाएगा वन पॉइंट समथिंग तो मैं क्या देख रहा हूं जो मेरी रेशियो है वो डिक्रीज हो रही है कुछ बच्चे तो डायरेक्टली कर लेंगे भाई कि हाँ डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से वैल्यू रिड्यूस होती है लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे तो उनके लिए क्या है? एक एग्जाम्पल ले लो आंसर आपके सामने आ जाएगा रेशियो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज पे टिक मारो और अपने नंबर पूरे करो गलती मत कर देना बस ठीक है समय आ गया ये हमने क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करे हैं रेशियो एनालिसिस से बहुत सारी रेशियोज हैं पता लेकिन कुछ ही अभी इस सेशन में कवर हो पाई अब लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना होता है कोई एमसीक्यू नहीं है मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है ट्वेंटी लैख टैक्स रेट दे रखा है फोर्टी परसेंट यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी हेल्प एक और कर देता हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बताओ सर ई बी आई टी अपन में इंटरेस्ट भी बता दिया अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है ई बी आई टी ढूंढना है और इंटरेस्ट ढूंढना है और आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में ठीक है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को राइज कर लो नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे थर्सडे को 2 पीएम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू सून